जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई, रेलवे नई भर्ती रिक्रूटमेंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, इस पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हम यहाँ पे जानेंगे, डिटेल में देखेंगे यहाँ पे इसके क्या एज रिलैक्सेशन, क्या इसका क्राइटेरिया, कितनी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कब से कब तक यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की, क्या इसकी एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सारा सब कुछ कंप्लीट डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पे बता देता है आपको। अभी बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों आरएन यहाँ पे 03/2021 आरआरबी रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो यहाँ पे 6904 पोस्टों पर भी यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई थी एमटीओएस ग्रुप डी पदों के लिए, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं बताता हूँ अलग अलग यहाँ पे डिफरेंस। कलर के लिए 12th पास लोकल लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए, एमटीएस के लिए 10th पास। यहाँ पे पोस्ट डिटेल की अगर मैं बात करूँ, कलर के 3641 पोस्ट, 34600 पे स्केल रहेगा। वहीं यहाँ पे एमटीएस के लिए 3352 पोस्ट, 26500 पर मंथ यहाँ पे स्केल रहेगा। जिसकी सारी की सारी नोटिफिकेशन में जो भी एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, 1/1/2021 को आपकी यहाँ पे 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन 5, 3 और 15 साल कंटिन्यू आपका रहेगा जो भी हर वैकेंसी में रहता है। तो अप्लाई कैसे क्या करना है आपको, यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग डेट जैसे कि मैंने पहले बता दिया 5/3/2021 से 26/4/2021 तक जब भी लिंक एक्टिवेट होता है आपको अप्लाई करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है इस वैकेंसी का भी, तो कृपया वेट कीजिए और इस चैनल पे बने रहिए जिससे कि समय समय पर आपको इस वैकेंसी के बारे में भी अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अभी एक और वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे, जी हाँ दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे में वैकेंसी निकलती हुई अधिसूचना दिखा देते हैं अब आपको। क्रमांक 012021 करके यहाँ पे निकली हुई है वैकेंसी, जिसकी ओपनिंग और एंडिंग डेट अगर देखें तो आप 1/3/2021 से आपको अप्लाई करना है। 30/3/2021 तक तो निकल गई है, अप्लाई कर दीजिए अभी ही जाके। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितने की क्या है तो 165 पद यहाँ पे निकले हुए। अगर मैं बात करूँ डिटेल में तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। कारपेंटर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, टेलर, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल ट्रैक्टर, इसके अलावा सारे टूल्स में भी यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है जो भी यहाँ पे दे रखी है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 22/2/2021 को आवेदक, यहाँ पे सूचना जारी होने के 22/2/2021 को आवेदक के 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 24 वर्ष की आयु पूर्ण न हो। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिए कि आप ओवर एज या फिर अंडर एज तो नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और चीज बारे में, ये नीचे जो साफ साफ लिखा हुआ है, स्टाइपेंड या पारिश्रमिक भी आपको दिया जाएगा जो कि मतलब कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो प्रचलित न्यूनतम दर है उस आधार पर आपका यहाँ पे ये दिया जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आवेदन करने की यहाँ पे www.mponline.gov.in जहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 10th की मार्कशीट, ITI के प्रमाण पत्र, ये सारे सब कुछ आपको जमा कराने पड़ेंगे इसमें और पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिए। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके भी आप यहाँ पे पूरी की पूरी मैन्युअली रीड कर